पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। शेयर ब्रोकिंग फर्म से हम लोग बुल्स एंड बेयर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। आई नो ये सब तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मना मत करना प्लीज। ये बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे करियर के लिए। ठीक है मिश्रा जी, सब कुछ क्लियर है। इवेंट का प्लान पूरा रेडी करके कल शाम को आप मुझसे आके मिलिए। ओके मैम, थैंक यू। इट वाज ग्रेट मीटिंग यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच रजत कि मेरे बुलाने पर तुम आ गए और ये मीटिंग हो गई। अब तुम देखना इस इवेंट के बाद मेरी कंपनी को क्या बिग किक स्टार्ट मिलेगा। लवण्या, लंच टाइम ओवर होने वाला है, मैं निकलता हूं। रजत, मेरी वजह से तुम्हारा लंच मिस हो गया है और ऐसे कैसे जाने दे सकती हो तुम्हें? प्लीज मेरे साथ लंच कर लो। नहीं लवण्या, देखो रजत, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, लंच करके चले जाना। फाइन। सर मैं एक बार अपने हस्बैंड से पूछ लूं। श्योर। क्या हुआ, बात कर लो ना। नहीं, मन नहीं है मेरा बात करने। अभी भी नाराज हो बानी से, वो शेयर मार्केट वाली बात से? यार मैं नाराज नहीं हूँ उससे, मुझे बस उसकी फिक्र है कहीं ये शेयर मार्केट के चक्कर में ना किसी गलत रास्ते में ना फंस जाए। बानी क्या हुआ, जल्दी पूछना। मारो राजा जी, फोन ही नहीं उठा रहे। मैं मैसेज करके देखती हूँ। राजा जी नई नौकरी मिल रही है 25,000 की, करूँ कि नहीं? वाह रजत, भानी तुमसे ज्यादा कमाने वाली है। हाँ आई एम सॉरी, वो तुम्हारा फोन ब्लिंक किया तो मेरी नजर पड़ गई, तो मैसेज पढ़ लिया। से रजत, मानने वाली बात है, आई मीन भानी में कुछ तो एक्स फैक्टर है, वरना इतनी जल्दी इतना ग्रो करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये तो मैं भी मानता हूँ। कछुआ इतना भी क्या बिजी, फोन नहीं कर सकता, मैसेज भी नहीं पढ़ सकता, क्या करूं अभी? बानी क्या डिसाइड किया? आप बस 2 मिनट सर, वो फोन कर रहे हैं। अरे अरे अभी क्यों कॉल कर रहा है? हेलो सर। हेलो, कहाँ हो? सर लंच टाइम है ना, तो बाहर आया था मैं। लंच टाइम लंच करने के लिए होता है, बाहर घूमने के लिए नहीं। और मैं भी तो अपना लंच ऑफिस में ही करता हूँ ना। सॉरी, हाँ तो गई यार, वहाँ बानी को नए नए ऑफर्स मिल रहे हैं और यहाँ मुझे ये खड़ूस खुराना की बकवास सुननी पड़ती है रोज। सबका टाइम आता है रजत, तुम्हारा भी जरूर आएगा, और अगर अभी बानी के पास बेटर जॉब है तो तुम्हारे पास भी जरूर होगी, क्योंकि तुम अपने काम में बेस्ट हो रजत। इतनी मेहनत करते हो, इतने लगन के साथ काम करते हो, ऐसे बेवकूफ लोगों के नजरिए को ना अपनी पहचान मत बनने दो। तुम देखना एक दिन तुम्हारे सड़ू बॉस को भी पता चलेगा कि रजत खन्ना क्या चीज है, तब तक तुम खुद पर और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो। हाँ लगने मुझे अपने खलना होगा, खड़ूस खुराना मेरी जान ले लेंगे, अटैक कर देगा जाते। चलो अच्छा, पानी रजत से ज्यादा कमा रही है, आज नहीं तो कल ये बात रजत को चुभेगी तो जरूर। बानी इतना क्या सोच रही है, 25,000 कम नहीं होते। आप बोल देना रजत जी को ना ये ट्रेडिंग ब्रेडिंग ना जरा भी पसंद नहीं है। तूने वहां जाकर ट्रेडिंग थोड़ी करनी है, तुझे ऑफिस असिस्टेंट की जॉब मिली है। हाँ ऑफिस असिस्टेंट से थोड़ी ना प्रॉब्लम होगी उनको, प्रॉब्लम तो शेयर बाजार से। हाँ हाँ सर जी, मेरी तरफ से ना ओके रिपोर्ट है। मतलब यस, मुझे ये नौकरी मंजूर है। कब से आना है मुझे? कल से। कल से तो नहीं हो सकता, मुझे अपने सर से भी बात करनी होगी। ऐसे कोई बात नहीं बनी, हम सब मैनेज कर लेंगे, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये 7 यार तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है, तुम बिल्कुल भी मत सोचो और ज्वाइन कर लो। थैंक यू सर, आपको भी थैंक यू मुझे इतना बड़ा मौका देने के लिए। ये लो मेरा कार्ड, इस पे एड्रेस है, आई विल सी यू टुमारो। जी
बानी बता रही थी कि आप ना दुनिया जान की वो यूट्यूब पे देख के वो रेसिपियां बनाते रहते हो अच्छी अच्छी। मुझे भी बता दो ना दो चार, मेरी गिन्नी खुश हो जाएगी। और आजकल के बच्चों को क्या पसंद है वो भी बता दो ना आप। बहन जी आजकल जो ये बच्चे है ना इनको खाने से ज्यादा दिखाना पसंद है। वो देसी चीजें नहीं बलैती चीजें पसंद आती हैं, जैसे वो पास्ता हो गया, नूडल्स हो गया। पास्ता? और मम्मी जी वही जो मैं मिंटी रिंकू के लिए बनाती हूँ चीज डाल के। अच्छा नहीं जी नहीं, वो तो मैक एंड चीज होता है। वो पास्ता तो अलग तरह का होता है, वो रेड सॉस पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, और आजकल तो पिंक सॉस पास्ता भी बनने लगा है जी। कुछ आसान सा बताओ ना। एक काम करती हूँ मैं आपको ना दो तीन रेसिपी भेज देती हूँ बनाने की, या बोलो तो मैं ही बना दूं दो तीन आइटम। और ना ना चरण बहन जी थैंक यू, वो मेरे पास तो पूरी फौज खड़ी है हेल्प करने के लिए किचन में। आप तो बस रेसिपी भेज देना, मेरी गिन्नी ने खुश हो जाना है आज। तुम्हारे चाचा जी क्या बोलेंगे, हम उनका बंगलो बिना उनसे पूछे बिना उन्हें बताए यूज कर रहे, कल को उनको पता लगे तो मैं डांट देंगे। तो मैं बोल मैं हूं ना तेरा स्पेशल फ्रेंड, हां किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ये बस तेरा और मेरा सीक्रेट है। मैं कैटरर से बात कर लेता हूं फोन पे। हूं हे यार रोहन हम भी कैसे से, हम बंगलो अरेंज कर सकते हैं, खाना भी अरेंज कर सकते हैं, पर जिन लोगों ने खाने पे बुलाया उनको कैसे अरेंज करें। हमारे दोस्त आएंगे सबसे पहले तो मेरी फैमिली के बारे में ही पूछेंगे ना। रिलैक्स यार गिनी, जैसे हम खाना बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं ना पेरेंट्स को भी ऑर्डर कर लेंगे रेंट पे। नहीं रोहन ऐसे कैसे कर, तुम टेंशन मत लो। एक बंदा है जो हमारे काम आ सकता है, लास्ट वीक उसका प्ले देखने गया था तो थोड़ी बातचीत हो गई थी उससे। क्या कर रहा था? अगर गिन्नी के दोस्तों का ऐसे वेलकम किया जाए। अगर बेवकूफ ऐसे वेलकम करेगा ना दरवाजे से ही चले जाना वापस उन्होंने। ओ गौरव जी फोन उठाओ ना, कब से बज रहा है? उठा रहा हूँ ना, चिल्ला क्यों रही है? क्योंकि आप बिना चिल्लाए सुनते नहीं हो। हेलो भाई साहब आपके लिए एक्टिंग का एक ऑफर है, दो तीन घंटे के लिए एक लड़के का फादर बनने की एक्टिंग करनी है, कर लेंगे आप? भाई साहब क्यों नहीं कर लेंगे जी, कमाल है अपना ही काम है ये। ओ भाई साहब मेरे तो एक्टिंग ब्लड में घुसी पड़ी है। आप बताओ कितने साल की लड़की का बाप बनना है, 5 साल 10 साल उसी हिसाब से तैयारी करके पहुंच जाएंगे हम। 19 साल की लड़की है, 2 घंटे के 2000 रुपए मिलेंगे। ओके हाँ जी भाई साहब डन करते हैं। 2000 रुपए में और खाना और ट्रैवल तो आपका ही होगा। हाँ हाँ वो सब हो जाएगा, बस आप अपनी पूरी तैयारी करके आना, और हाँ साथ में एक वाइफ भी लेके आना। ओके सर थैंक यू जी। आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ, 2 घंटे एक्टिंग करने के 2000 रुपये मिलने हैं भाई। ओ वाह वैसे रोल क्या है? वो रोल बड़ा छोटा सा है, कुछ खास नहीं है, 19-20 साल की लड़की का मम्मी डैडी बनना है। है? दोनों आप एक्टिंग कैसे करोगे? ओ मेरी मडोना, मेरी बेबी, पापा, मैं, मम्मी, तू। ओ नहीं नहीं, ओ मैं नहीं कर सकती एक्टिंग शेक्टिंग, मुझे नहीं आती हो भाई, एक्टर आप हो, मेरा क्या काम। और वैसे भी 20-22 साल की तो मैं खुद ही लगती हूँ, और 20-21 साल की लड़की की मम्मी बन जाओ, ओ ना ना मैं नहीं करती। मेरी जान 2 घंटे के 2000 तुझे, 2000 मुझे, 4000 रुपये मिलेंगे यार, कर ले प्लीज। अच्छा ठीक है। यस क्या हो गया? मैं बाल शाल नहीं सफेद करूंगी। ओ बिल्कुल नहीं, लोड ही नहीं है, कह देंगे भाई हॉट मम्मा है, इन्होंने मेंटेन किया हुआ, मडोना जैसी दिखती हैं। वैसे ठीक है ऐसे रोल शोल करते रहा करो, फिर पैसे ही पैसे। सिर्फ 550 रुपए इतने में कैसे होगा, अभी तो पता भी नहीं है किन्ने के कितने दोस्त आ रहे हैं। पानी को कहती नहीं नहीं बानी को भी परेशान नहीं कर सकती। चल पारू मैं चेंज करती हूँ और मैं निकलती हूँ। बानी सुन। हाँ। ये ले मेरी तरफ से। ये क्या है? डोनट्स? मैं तुझे फेयरवेल तो दे नहीं पाई तो ये मेरी तरफ से फेयरवेल गिफ्ट। पारुल इसकी क्या जरूरत थी? अरे तू चिल करना, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, ध्यान रखना अपना। का मैसेज बहुत दिन हो गए तुझसे मिले हुए, तू आज मिल सकती है? नवजोत को भी खुशखबरी देती हूँ, अभी आ रही तुझसे मिलने अस्पताल। अच्छा जी मैंने मैसेज किया और नहीं कोई कॉल किया है अभी तक।
आलसी कछुआ। सॉफ्टी भी फोन नहीं उठा रहा है। पता नहीं आज सारे इतने बिजी क्यों हो गए हैं। अब मैडम जी वो नवजोत कहाँ मिलेगी? उसकी ड्यूटी आज कैजुअलिटी में है, आप यहाँ से लेफ्ट ले लेना। अब जी। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।